हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। प्रश्नावली 9.5, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। तो ये सर्व समीका क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने 9.5 का प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो अब ये देखो, हमें ये समझना है इस प्रश्न के अंदर कि ये सर्व समीका क्या होती है और उसका वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग को समझते हैं कि भाई किसी संख्या को जब हम उसी से गुणा कराते हैं, जैसे 2 का मैं अगर 2 से गुणा करूँ, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, यानी 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। 2 का वर्ग मतलब 2 से 2 गुणा करने पर कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, यानी 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 आया। 3 गुणा 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9, तो 3 का वर्ग कितना आया, 9। लेकिन क्या इनका उत्तर मैं बता सकता हूँ, b-7। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है b-7 का वर्ग, इसका मतलब b-7 का गुणा b-7 से करना है। अब हम गुणा कर चुके हैं और इसका उत्तर भी हम ला सकते हैं, लेकिन हमें किसका प्रयोग करना है, हमें सर्व समीका का प्रयोग करना है। अब सर्व समीका क्या होती है, तो हमने 2 सर्व समीकाएँ पढ़ी है जो इसमें उपयोग आएगी। पहली सर्व समीका है a+b2 और a-b2, ये दोनों सर्व समीकाएँ इसमें लगेगी क्योंकि एक में प्लस है, दूसरे में माइनस है, और देखो सब में प्लस और माइनस, यानी इस प्रकार की सर्व समीकाएँ यूज हो रही है। अब इनका रिजल्ट क्या आता है, जैसे a+b का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा a2+2ab+b2। इसमें क्या रिजल्ट आएगा, a2-2ab+b2। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस इतना अंतर है। अब इनको करना कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं समझाऊँ उसको ध्यान से समझना है तो आपका ये बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर जो हमने a+b की सर्व समीका पढ़ी है उसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ जो भी अंक है वो नंबर 1 है और यहाँ जो भी दूसरा अंक है वो नंबर 2 है, तो इसकी सर्व समीका में हम क्या करते हैं, पहले नंबर का वर्ग प्लस 2 का गुणा पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर तीसरे नंबर का वर्ग, यानी यहाँ पर ये पहला नंबर आएगा, लास्ट में आपका दूसरा नंबर आएगा, बीच में आपका पहला नंबर और दूसरे नंबर का क्या आएगा, गुणा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर पहला प्रश्न मैं कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे यहाँ है b-7 का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग करना है तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ सूत्र लग रहा है a-b का वर्ग बराबर a का वर्ग -2ab+b का वर्ग, ठीक है, ये यहाँ पर सर्व समीका यूज आ रही है। तो यहाँ a-b की जगह आप क्या करो, आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इसको समझ के करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड का वर्ग, क्या करना, फर्स्ट का वर्ग करना, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर 2 गुणा पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, दोनों का गुणा, फिर प्लस दूसरे का क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका हमें यूज करना है, इस सर्व समीका का हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। चलो, तो ये पहला नंबर हो गया आपका और ये दूसरा नंबर आ गया, तो पहले नंबर में आपको इस प्रकार से इसको ओपन करना है। तो यहाँ देखो मैं पहले और दूसरे नंबर की जगह कोष्टक बना देता हूँ, a2-2ab+b2, है ना, पहले नंबर का वर्ग प्लस 2 पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर प्लस दूसरे का वर्ग। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वहाँ b रखना है, दूसरा नंबर है वहाँ 7 रखना है, पहला और दूसरे का गुणा कराना है ना, तो यहाँ आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा 7, कितना सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये b का वर्ग मतलब ये हो गया b2 माइनस 2 का गुणा b से, फिर गुणा 7 से, तो 2 का गुणा तो 7 से हो जाएगा, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ गुणे का निशान है, ध्यान रखना। तो 2 का 7 से गुणा करो, 2 × 7 = 14, तो यहाँ आ गया 14, फिर यहाँ क्या है b, तो b आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर है प्लस और 7 का वर्ग, 7 का वर्ग का मतलब 7 का 7 से गुणा, तो 7 × 7 कितना हो गया, 49, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49, कितना ईजी है ना। बस यही करना है आपको, बस ये सर्व समीका याद होनी चाहिए, बात समझ में आई। चलो वापस करते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से समझो इसको, क्या है,
फर्स्ट नंबर है बी माइनस सात का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर का वर्ग, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर दो गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर, फिर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग। ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। तो पहले नंबर में क्या आ गया बी, दूसरे नंबर में क्या आ गया सेवन, फिर पहले और दूसरे का गुणा करना यानी बी गुणा सात। अब इसको सॉल्व करो, बी की घात दो तो कोष्टक हट जाएगा और यहाँ आएगा बी की घात दो माइनस दो और सात का गुणा, दो सत्य चौदह और ये पीछे क्या आ जाएगा बी प्लस सात का वर्ग कितना हो जाएगा 49। बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया? इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा क्या है एक्स वाई प्लस थ्री जेड। तो अब की बार यहाँ प्लस आया है ना, तो ये आपका पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। समझ में आया? क्या करेंगे, पहले नंबर का वर्ग, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का निशान, फिर दूसरा दो का गुणा पहला नंबर और दूसरे नंबर का गुणा प्लस दूसरे नंबर का वर्ग। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई आ गया। दूसरा नंबर क्या है थ्री जेड, तो यहाँ थ्री जेड आ गया। फिर ये एक्स वाई और थ्री जेड का गुणा करके इसमें लिखना है, तो ये एक्स वाई और यहाँ थ्री जेड। अब इसको ओपन करो, हमेशा ध्यान रखना ये एक्स और वाई का गुणा और ऊपर घात दो है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये घात दो एक्स पर भी आएगी और वाई पर भी आएगी। इसको ऐसे करना है एक्स की घात दो वाई की घात दो प्लस जहाँ संख्या है उनका गुणा कर दो, दो और तीन का गुणा होगा तो दो त्रिया छः और एक्स वाई जेड और इनका गुणा होगा एक्स वाई और जेड प्लस थ्री जेड की घात दो। इसका मतलब होता है थ्री जेड का गुणा थ्री जेड से, तो तीन का तीन से गुणा कितना हो गया नौ और जेड का जेड से गुणा हो जाएगा जेड की घात दो। ध्यान रखना इसको, यानी इसमें भी क्या हुआ तीन का वर्ग जेड का वर्ग, तो तीन का वर्ग कितना हो गया नौ, फिर ये जेड का वर्ग आ गया यहाँ पर। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न तो आपको समझ में आया होगा, अब हम तीसरा और चौथा करेंगे। फोर्थ है सॉरी तीसरा है छः एक्स की घात दो माइनस पाँच वाई की घात दो। तो अब की बार यहाँ माइनस, तो क्या होगी सर्वसमिका, फर्स्ट का वर्ग माइनस टू फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का वर्ग, यही होगा। तो पहला नंबर क्या है छः एक्स की घात दो, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है पाँच वाई, तो यहाँ पहला नंबर और दूसरा नंबर आ जाएगा छः एक्स की घात दो और पाँच वाई। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो छः एक्स की घात दो और इसकी घात दो, छः एक्स की घात दो और उसकी घात दो, इसका मतलब क्या, इस पूरे का वर्ग यानी इसका इसी से गुणा, यानी इसको मैं कहूँगा छः एक्स की घात दो का गुणा छः एक्स की घात दो से, तो छः का छः से गुणा कितना हो गया छत्तीस, x की घात दो गुणा x की घात दो। तो इसमें ध्यान रखना x की घात दो यानी x इंटू एक्स, फिर x की घात दो यानी x इंटू एक्स, कितने x हो गए एक दो तीन चार, तो इसको लिख सकता हूँ x की घात चार, सीधा जोड़ सकते हैं दो और दो चार है ना, तो ये हो जाएगा x की घात चार। तो यहाँ आ जाएगा 36 x की घात चार माइनस संख्याओं का गुणा करो, तो दो का गुणा छः से, यहाँ गुणे का निशान है ध्यान रखना, दो का गुणा छः से छः दुनी बारह और 12 का गुणा 5 से, तो 12 पंजे 60, तो ये हो गया गुणा 60। फिर देखो x की घात 2 और इंटू वाई, तो ये हो गया x की घात 2 वाई, फिर प्लस 5y का वर्ग है ना, 5y का वर्ग, इसका मतलब क्या 5y का वर्ग, इसका मतलब 5y का गुणा 5y से, तो 5 का 5 से गुणा 25, y का y से गुणा y की घात 2, तो ये हो गया 25y की घात 2 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर 4 है दो बट्टे तीन एम प्लस तीन बट्टे दो एन और इसका वर्ग, क्या करना, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो पहले नंबर का वर्ग प्लस दो इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग। तो पहला नंबर क्या है दो बट्टा तीन एम, दूसरा नंबर क्या है तीन बट्टे दो एन, फिर यहाँ पहला और दूसरा नंबर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दो बट्टे तीन एम और यहाँ तीन बट्टे दो एम। तो यहाँ देखो दो बटा तीन एम का वर्ग, यानी दो बटा तीन एम का वर्ग का मतलब दो बटा तीन एम का गुणा दो बटा तीन एम से, तो ऊपर गुणा हो जाएगा दो दूनी चार बटा तीन त्रिया नौ और एम का वर्ग, एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम की घात दो, समझ आया। फिर देखो प्लस, अब है यहाँ पर भी देखो यहाँ तीन से तीन कट गया
दो से दो कट गया। कैसे? कि दो बट्टा तीन गुणा तीन बट्टा दो, तो तीन का तीन से भाग चला गया, दो से दो का भाग चला गया, तो ये तो सब कट गए। अब बचा क्या? दो बचा और साथ में बचा m, तो यहाँ m गुणे में आ जाएगा, प्लस तीन बटे दो और n की घात दो, तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा? नौ, तीन त्रिया नौ। दो का वर्ग कितना हो जाएगा? चार। n की घात दो हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो केवल दो लाइन में आपका आंसर आ रहा है ना, कितना सरल है। लेकिन हमें सर्व समीकाएं याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर केवल दो सर्व समीकाओं का यूज हो रहा है ना। चलो अगला देखो, फोर फिफ्थ क्या है, 0.4p माइनस 0.5q और उसका वर्ग। तो ये आपका पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का वर्ग माइनस है, तो यहाँ माइनस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग। तो पहला नंबर है 0.4p और दूसरा नंबर है 0.5q, फिर पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुणा, तो 0.4p गुणा 0.5q, ठीक। तो यहाँ 0.4p का वर्ग है ना, यानी 0.4p का गुणा 0.4p से, तो जब 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो टोटल दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी ये 0.16 हो जाएगा। फिर p और p का गुणा p की घात दो, तो यहाँ आ जाएगा 0.16p की घात दो माइनस। अब इनका गुणा करना है, तो देखो 5 चौक 20 है ना, ये 20 हो गया, 4 और 5 का गुणा, लेकिन क्या हुआ? 0.20 हुआ है ना, और फिर इसका 2 से गुणा, तो देखो 0, 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो इसका गुणा हो गया 0.40, फिर p इंटू क्यू क्या हो जाएगा? pq। फिर उसके बाद 5 का वर्ग, यानी 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा? 0.25, यानी 0.25, फिर q की घात 2, ये इसका आंसर। 6 है 2xy प्लस 5y और फिर इसका वर्ग, यानी कि सर्व समीका का यूज, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, तो इसमें आएगा पहला नंबर 2xy, इसमें आएगा दूसरा नंबर यानी 5y, और फिर पहले नंबर और दूसरे नंबर का यहाँ गुणा, तो 2xy और 5y, ठीक है। अब 2xy का वर्ग, यानी इसका इसी से गुणा, तो 2 का 2 से गुणा 4, एक्स की घात 2, वाई की घात 2, प्लस 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका गुणा हो गया 20। फिर देखो x इंटू वाई इंटू वाई, तो y यहाँ पर 2 आ रहा है, तो x y की घात 2 प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और फिर y की घात 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा प्रश्न करना है, इसमें आपको टोटली सर्व समीका याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 में हमें सरल करना है। तो अब तो हम ये जान ही चुके हैं कि यहाँ पर ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट बंद के ऊपर घात दो, यानी इसका वर्ग करना है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सर्व समीका है। और हमने कौन सी सर्व समीका पढ़ी है? कि जो पहला नंबर है उसमें से अगर मैं दूसरा नंबर घटा के इसका वर्ग करता हूँ, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा पहले नंबर का वर्ग माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 इंटू पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर प्लस सेकेंड नंबर का वर्ग, ये इसकी क्या होगी? सर्व समीका होगी। अगर ये याद है तो ये याद रखो, a माइनस बी का वर्ग बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ये वाली याद है तो इसको याद रखो, जो याद होती है वो याद रखो, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ आप ब्रैकेट याद रखो, क्या याद रखो? ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें ये सर्व समीका लगानी है, यानी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, तो यहाँ फर्स्ट नंबर आपका है a की घात 2, सेकेंड नंबर है आपका b की घात 2, है ना, फिर a और b का गुणा, यानी a की घात 2 इंटू b की घात 2 का गुणा करना है। अब इसको सरल करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब a की घात 2 और ऊपर घात 2 हो, 3 हो चाहे जो भी हो, इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा a की घात 4 माइनस, अब ये अलग अलग नंबर है तो इसको हम लिखेंगे 2a की घात 2 b की घात 2, इनका गुणा होगा ही नहीं तो हम इसको वापस लिख देंगे, प्लस b की घात 2 और इसकी घात 2, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा b की घात 4, बस ये इसका आंसर हो गया। तो अब दूसरे प्रश्न में देखो, इसका भी हमें सर्व समीका का यूज करना है और इसमें भी हमें सर्व समीका का यूज करना है।
लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका थोड़ा खेल अलग हो जाएगा, है ना। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो कौन सी सर्वसमिका, अब देखो यहाँ पर तो सर्वसमिका आपकी ये वाली काम आएगी, ई वन प्लस सेकेंड नंबर का वर्ग, और यहाँ पे कौन सी आएगी, फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर का वर्ग। क्या होगा इसका सर्वसमिका, पहले नंबर का वर्ग प्लस दो इंटू पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर प्लस सेकेंड नंबर का वर्ग। इसकी क्या सर्वसमिका, पहले नंबर का वर्ग माइनस दो इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, है ना। तो इसमें और इसमें अंतर बस यहाँ माइनस है, यही अंतर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं इस सर्वसमिका का यूज़ कर रहा हूँ और ब्रैकेट से कर रहा हूँ, है ना। पहला नंबर का वर्ग प्लस दो गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, फिर आगे क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ। लेकिन जब भी यहाँ माइनस हो तो अगला जो भी हम सॉल्व करेंगे उसको बड़े ब्रैकेट में रखना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। कब करना ऐसा, जब यहाँ माइनस हो। चलो इस सर्वसमिका का क्या होगा, तो यहाँ पर होगा पहला नंबर का वर्ग माइनस दो गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, फिर ब्रैकेट बंद। समझ आया। अब यहाँ पर पहला नंबर और दूसरा नंबर डालेंगे, फिर इसमें हम पहला नंबर और दूसरा नंबर डालेंगे। तो इसको हम पहले सरल करेंगे, तो पहला नंबर है 2x, दूसरा नंबर है 5, फिर यहाँ आ जाएगा 2x गुणा 5। इसमें क्या है, पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर है 5, 2x गुणा 5, यानी दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2x का वर्ग, 2x का वर्ग का मतलब क्या, 2x का 2x से गुणा, तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा। x का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस यहाँ नंबर का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया 20, फिर ये x प्लस 5 का वर्ग यानी 5 का 5 से गुणा, कितना हो जाएगा 25 माइनस। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस 20x प्लस 25, ये भी सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, समस्या है यहाँ इस बड़े कोष्टक को जब हटाएंगे तो क्योंकि आगे माइनस है, तो ये माइनस क्या करता है, जो प्लस का होता है उसको माइनस कर देता है, जो माइनस का होता है उसको प्लस कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ है गुणे का निशान, है ना, तो यहाँ सब चेंज हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो कुछ चेंज है नहीं, यहाँ पर उत्तर है आपका 4x की घात 2 प्लस 20x प्लस 25। लेकिन यहाँ अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया 4x की घात 2, ये माइनस का है तो प्लस का होगा, कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 20x, ये प्लस है तो माइनस होगा, कैसे, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, कितना हो गया 25, यानी जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है। कब, जब यहाँ आगे माइनस हो, है ना। अब देखो यहाँ पर 4x की घात 2 में से 4x की घात 2 गया, क्या बचा, 0, प्लस 20 और प्लस 20 कितना हो गया 40x, प्लस का 25 में से माइनस का 25 गया, क्या बचा, 0, तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया 40x। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न संख्या 3 भी सेम वैसा ही है, लेकिन सर्वसमिका का यूज हमें करना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अब प्लस है, तो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस होता तो थोड़ा टेंशन होता, तो यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का वर्ग है, यानी कि क्या सर्वसमिका है, पहला नंबर माइनस दो गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, और ये आपका प्लस आ गया, यही है ना। पहला नंबर क्या है 7m, दूसरा नंबर क्या है 8m, ठीक है। तो यहाँ पहला और दूसरा नंबर यानी 7m और 8m, ये हो गया, इसको करते हैं। यहाँ प्लस है तो पहले नंबर का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग। तो पहला नंबर क्या है 7m, दूसरा नंबर क्या है 8m, पहला नंबर और दूसरा नंबर 7m और 8m। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 7m का वर्ग, 7m का वर्ग, इसका मतलब 7m का गुणा 7m से, तो 49 हो जाएगा, m गुणा m क्या हो जाएगा, m की घात 2, तो ये हो जाएगा 49m की घात 2 माइनस। संख्या का गुणा करो, तो देखो 7×8=56 और 56 का 2 से गुणा, देखो 56 का 2 से गुणा, तो 6×2=12, हसल का 1, 5×2=10 और 1×11 कितना हो गया 112, है ना। तो ये हो गया 112, फिर m गुणा n, तो ये हो जाएगा m इंटू n प्लस 8
एन का वर्ग यानी इसका इसी से गुणा, तो 8 का 8 से गुणा, ऑटोमेटिक 64 और एन की घात 2, फिर यहाँ प्लस है तो अब कोई निशान चेंज करने का काम नहीं है, अगर माइनस होता तो सब निशान चेंज होते। चलो अब इसका भी यही होगा, क्या होगा, 49m की घात 2 प्लस 112mn प्लस 64n की घात 2। लेकिन अब की बार देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो हमें घटाना पड़ता है ना, तो हम इसको घटाएंगे तो 112mn में से 112mn गया, जीरो हुआ। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 49 और 49 को जोड़ो, देखो 49m की घात 2 और 49m की घात 2, तो इसको जोड़ना कैसे है, m की घात तो 2 ही आएगा, 9 और 9 18, असल का 1, 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया 98m की घात 2। आप कहोगे ये m की घात 4, m की घात 4 नहीं होगा, हम इसको जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक सेब और एक सेब कितनी हुई, दो सेब ही तो हुई, दो सेब की घात 2 थोड़ी ना हुई, बात समझ में आई, हाँ तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर यहाँ पर कौन बचा, यहाँ बचा 64n की घात 2 और 64, दोनों प्लस के हैं तो ये भी जुड़ेंगे, प्लस का निशान आएगा, तो 64 और 64, 4 और 4 8, 6 और 6 12, 128n की घात 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में एक ही सर्वसमिका का यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। क्या करना, पहले नंबर का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला नंबर, दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, तो इसको तो हम सॉल्व कर देते हैं। पहला नंबर क्या है 4m, दूसरा नंबर क्या है 5m, फिर ये 4m और ये 5m, ठीक है, फिर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ भी प्लस, फिर इसको भी सॉल्व करो तो पहला नंबर का वर्ग प्लस, क्योंकि प्लस है, 2 गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, तो पहला नंबर क्या है 5m, दूसरा नंबर क्या है 4m, फिर 5m गुणा 4m, चलो सॉल्व करते हैं। 4m का वर्ग यानी कितना हो गया 16m की घात 2, 4 चौक 16 और m की घात 2, प्लस इन नंबरों को गुणा करो, 4 दुनिया 8 और 8 पंजे 40, तो ये हो गया 40mn, प्लस 5 इंटू एन का वर्ग, तो 5 का 5 से गुणा 25 और n की घात 2, प्लस 5 का 5 से गुणा 25 m की घात 2, प्लस इसको 5 दुनी 10, 10 का गुणा 4 से 40 mn, प्लस 4 चौक 16 n की घात 2। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, देखो 16 n की घात 2 और ये 25 m की घात 2, तो 16 और 25 को जोड़ दो, 6 और 5 11, असल का 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया 41 m की घात 2, क्योंकि ये m की घात 2 है, 41 m की घात 2, फिर 40 mn और 40 mn कितना हो गया प्लस का 80 mn है ना, फिर प्लस 25 n की घात 2 और 16 वापस कितना हो गया 41, फिर ये n की घात 2 है तो ये n की घात 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब की बार इन दोनों में माइनस वाली सर्वसमीकरण यूज करनी है ना, और इसके साथ यहाँ माइनस भी है, यानी थोड़ा ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सर्वसमीकरण लगाएंगे, पहला नंबर माइनस 2 गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना, फिर अगला जो हम सॉल्व करेंगे वो बड़े ब्रैकेट में करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 2.5p, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 1.5q, 2.5p और 1.5q, समझ में आया। चलो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहले नंबर का वर्ग माइनस 2 गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर 1.5p, दूसरा नंबर क्या है 2.5q, फिर यहाँ पहला नंबर 1.5p और 2.5q। अब गुणा करो, 2.5p का वर्ग, 2.5p का वर्ग, इसका मतलब 2.5p का गुणा 2.5p से, तो p और p का गुणा हो गया, p की घात 2, फिर 2.5 और 2.5 का गुणा करो, तो देखो 25 हसल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ो इनको 5, ठीक है, फिर 2 5 और 1 6, लेकिन अब पॉइंट लगाने, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, टोटल 2 अंक, पीछे से 2 अंक छोड़ो, 1 2, क्या उत्तर आया 6.25, तो इसका उत्तर है 6.25 पी की घात 2 माइनस। अब इसको गुणा करेंगे क्या होगा, देखो 2.5 का 1.5 से,
2.5 का गुना 1.5 से, पहले इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ तो 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 5 2, जोड़ो इनको 5 7 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये हो गया 3.75। फिर 2 का गुणा भी करना है, चलो 2 का गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, क्या हुआ 7.50 है ना, तो गुणा हुआ 7.50 P इंटू क्यू, तो ये हो गया पी क्यू प्लस 1.5 का गुणा करेंगे तो आएगा 2.25 क्यू की घात 2, आप करना यही उत्तर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस इसको सॉल्व करेंगे, क्या है आएगा 2.25 पी की घात 2 माइनस, इसको सबको गुणा हमने किया है, कितना आया 7.50 पी इंटू क्यू प्लस, यहाँ इसका गुणा किया हमने यहाँ पर तो है 6.25 लेकिन क्यू की घात 2। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपके 6.25 पी की घात 2 माइनस 7.50 पी इंटू क्यू प्लस 2.25 क्यू की घात 2। देखो ये जीरो आए ना आए चलेगा, अगर ये जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो भी सही है, अगर आप जीरो लगा रहे हो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस है तो ये प्लस का है तो माइनस का 2.25 पी की घात 2 कर लो, ये माइनस का है तो इसको प्लस का 7.50 पी क्यू कर लो, ये प्लस का है तो इसको माइनस 6.25 क्यू की घात 2 कर लो। अब जो प्लस और माइनस का है वो जीरो हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये आपके प्लस का सॉरी माइनस का 7.5 और यहाँ पर ये प्लस का 7.50 पी क्यू, तो ये तो आपका जीरो हो गया क्योंकि इसमें से ये पूरा चला गया जीरो, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो करना मत क्योंकि ये पी की घात 2 है और ये क्यू की घात 2 है, तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें पी की घात 2 को देखना है। तो ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है तो अब घटेगा, अब ये बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा, तो अब इन दोनों को हमें घटाना है, मैं इसको इसके पास लिख देता हूँ, है ना। तो देखो 6.25 पी की घात 2 माइनस 2.25 पी की घात 2 क्यू को क्यू के पास, तो ये है प्लस 2.25 क्यू की घात 2 और ये है माइनस 6.25 क्यू की घात 2। तो देखो ये दोनों घटेंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाना है हमको, तो 6.25 में से आपको घटाना है 2.25, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो बचा 4.00 यानी बचा 4, है ना। तो ये हो गया 4 पी की घात 2। फिर यहाँ पर देखो इनको घटाना है अपने को, तो इनको इसमें से घटाऊंगा तो वापस 4 ही बचेगा, लेकिन ये माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का क्या है बड़ा है, तो इसलिए यहाँ आएगा माइनस का 4, ध्यान देना ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा घटाने पर 4 ही आएगा लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ आएगा माइनस 4 क्यू की घात 2 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो अगले प्रश्न में यहाँ पर तो सर्वसमिका का यूज हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई सर्वसमिका का यूज नहीं हो रहा, तो इसको तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये सॉल्व है, इसका मतलब क्या है 2 का गुणा a से फिर गुणा b की घात 2 से फिर गुणा c, तो इनका तो गुणा होने वाला है नहीं तो इसको तो हमें ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमें सर्वसमिका के यूज करना है, ये हमारा पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का वर्ग प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 गुणा पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, फिर माइनस अगली संख्या पूरी लिख दो 2ab की घात 2c। अब इसको हमें यूज करना है तो यहाँ पहला नंबर ab है दूसरा नंबर bc है, यहाँ ab इंटू bc सॉल्व करेंगे, ab का वर्ग यानी कि ab का वर्ग मतलब ab का ab से गुणा, तो a कितना हो गया a की घात 2, b कितना हो गया b की घात 2, तो ये हो जाएगा a की घात 2 b की घात 2, कुल मिला के ये घात 2 इस पर और इस पर दोनों पर आ जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो 2 गुणा a एक बार ही है, फिर b दो बार है तो b की घात 2, फिर यहाँ c हो जाएगा, फिर प्लस b की घात 2 c की घात 2 b की घात 2 और c की घात 2, फिर माइनस 2 a इंटू b की घात 2 इंटू c। अब देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2 में से 2 गया 0, तो ये तो हट जाएगा,
बचा क्या, a की घात दो, b की घात दो, फिर प्लस b की घात दो, c की घात दो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना इजी है। तो ये प्रश्न भी उसी के जैसा ही है। यहाँ पर हमें सर्वसमिका का यूज करना है और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, लेकिन अब माइनस है यहाँ। तो पहला नंबर माइनस दो गुणा पहला नंबर दूसरे नंबर प्लस दूसरे नंबर का वर्ग प्लस अगली संख्या क्या है, दो एम की घात तीन एन की घात दो, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, एम की घात दो, फिर पहला और दूसरे नंबर का गुणा कर दो और दूसरा नंबर यहाँ लिख दो, दूसरा नंबर है एन की घात दो एम, और यहाँ है एम की घात दो एन की घात दो इंटू एम। अब यहाँ मैंने बताया था दो और दो का गुणा कर दो, तो ये हो गया एम की घात चार माइनस, यहाँ एक ही है नंबर तो यहाँ दो आ जाएगा गुणा। अब देखो एम की घात दो और फिर एम का गुणा, तो ये हो गया एम की घात तीन, क्योंकि ये दो और ऊपर घात एक दोनों जुड़ जाएंगे तीन हो जाएगा, और यहाँ है एन की घात दो प्लस यहाँ क्या है एन की घात दो और ऊपर दो, तो ये हो गई चार, और एम की घात ऊपर दो है तो एम की घात दो हो जाएगा, प्लस यहाँ दो एम की घात तीन एन की घात दो, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो जीरो हो गया। बचा क्या, एम की घात चार प्लस एन की घात यहाँ पर चार एम की घात दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।